हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड, एंड एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है रेलवे की तरफ से, जेसी एंड टीसी की न्यू वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है जिसको कंडक्ट कराया जाता है आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से। इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। चलिए मैं बता दूं कि टीसी क्या होता है। ये ट्रेन्स का क्लर्क होता है एंड जेसी माने जूनियर का क्लर्क होता है। दोनों पोस्ट को कंबाइन करके देखा जाए तो 3000 पोस्ट के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी रहेगी। जूनियर कलर के लिए 2500 के अप्रॉक्स रहेगा और टिकट ट्रेन्स कलर के लिए आपका 500 के अप्रॉक्स रहेगा। तो अगर इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स, देखिए इसके लिए जो एज की लिमिट है ना, 18 to 33 years, 18 वर्ष से 33 वर्ष उम्र सीमा रहेगी। इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। ओबीसी को 3 years यानी 3 साल का एंड एससीएसटी के कैंडिडेट को 5 years यानी 5 वर्ष का। इसके लिए फॉर्म फी क्या रखी गई है, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से 500 rupees लिया जाएगा, वहीं पर एससीएसटी कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप पर्सन एंड ऑल कैटेगरी फीमेल यहाँ पर 250 rupees लिया जाएगा। आपको पता है कि फॉर्म फी जो रेलवे की तरफ से लिया जाता है वो रिफंडेबल होता है आफ्टर CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम। जब आप दे लेते हो ना तो आपका ये पैसा रिफंड कर दिया जाता है। जो 500 rupees लिया जाता है उसमें से आपको 390 या 400 rupees दिया जाता है, और अगर 250 rupees आपको अगर आपने पे किया है तो 250 का 250 टोटली वापस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई फॉर्म के फी की बात। अब क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, सिंपली जिन्होंने भी 12th पास किया है या जो भी इंटर पास कैंडिडेट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने साइंस लिया है, आर्ट्स लिया है या कॉमर्स लिया है, या फिर इंटर में आपका परसेंटेज क्या है। आप पास आउट कैंडिडेट हो तो ज़रूर अप्लाई करना। अब बारी है सिलेक्शन के प्रोसेस को समझने की, किन किन स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। पहला आपका स्टेज होता है CBT 1 यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1 होगी, फिर 2 होगा मतलब 2 एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट सिर्फ जूनियर कलर के लिए होगा, जो ट्रेन्स कलर के लिए है ना उसमें CBT 1 CBT 2, उसके बाद DVN मेडिकल। फॉर जूनियर क्लर्क CBT 1 होगा, 2 होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, तब जाके DVN मेडिकल कराया जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताते चलो कि अप्लाई की डेट क्या होगी, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि रेलवे के तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि अब पर ईयर वैकेंसीज कंडक्ट कराई जाएगी, साथ ही साथ एग्जाम कैलेंडर भी दे दिया गया कि कौन सा फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा। तो आपका रेलवे के कैलेंडर के तहत अप्लाई करने का जो डेट रहेगा ना, इसका जुलाई 2024 में 110% ये वैकेंसी आ जाएगी। एग्जाम डेट भी CBT 1 का दिया गया है, दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी मई ही चल रहा है तो मैं जुलाई की वैकेंसी आपको क्यों बता रही हूँ। फ्रेंड्स, ये आपको मोटिवेट करने के लिए होता है ताकि आप तैयारी की स्पीड अच्छी रखो कि वैकेंसी बहुत अच्छी आपके बीच आने वाली है। आई होप आप इस कंसर्न को समझ गए होंगे। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, CBT 1 यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1, इससे ही समझ में आता है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें आपका 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन एक नंबर दिया जाता है। समय 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। निगेटिव मार्किंग होता है 1/3 मतलब 0.33 का आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। सब्जेक्ट वाइज बता दूं कि 3 सब्जेक्ट से ही यहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें जनरल नॉलेज, साइंस और करंट अफेयर्स को कंबाइन करके 40 क्वेश्चंस रहेगा। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस रहेगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस रहेगा। तो ये आपका CBT 1 है, जिसको क्वालिफाई करोगे तो CBT 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 आपका होगा, जिसमें कि 120 क्वेश्चंस होंगे 120 मार्क्स के लिए।
पर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 मार्क रहेगा, टाइम 90 मिनट ही रहेगा, 1.5 घंटे का ये भी पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3, 0.33 की निगेटिव मार्किंग हो गई। सब्जेक्ट वाइज देखिए तीनों सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, बस इसमें है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर भी आपका जनरल नॉलेज का वेटेज ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, ओवरऑल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए। तो फ्रेंड्स जो ट्रेंस क्लर्क होती है उसके लिए तो बस CBT 1 और 2 पास करोगे तो DV मेडिकल हो जाता है, लेकिन जो बच्चे जूनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर मैं बता दूँ कि स्किल टेस्ट आपका होगा CBT 2 के बाद, जिसमें टाइपिंग की टेस्ट होती है। आपको पता है इंग्लिश का जो स्पीड होता है 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट। अब आप सोच रहे होंगे क्या दोनों भाषा में टाइपिंग आनी चाहिए? जी नहीं, दोनों में से किसी एक भाषा में जिसका आपका आपको आ रहा हो उसका आप वहां पर टेस्ट दे सकते हो। तो ये हो गया आपका, उसके बाद DVN मेडिकल होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। रही बात एग्जाम सेंटर की, तो ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम इसका कंडक्ट कराया जाता है, जॉब लोकेशन फॉर ऑल ओवर इंडिया रहेगा, जिस रीजन के लिए आप अप्लाई करेंगे वहां पर सर्विस देंगे, सर्व करेंगे। सैलरी क्या मिलेगी आइए मैं क्लियर कर दूं। देखिए ट्रेंस कलर को मिलती है 36,000 रुपये स्टार्टिंग में, बाद में जब सैलरी में इंक्रीमेंट होती है ना तो आपकी सैलरी 80,000 रुपीज़ पर मंथ की हो जाती है। वहीं पर जूनियर कलर के लिए 39,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेज आफ्टर पर ईयर की इंक्रीमेंट आपकी सैलरी 84,500 रुपीज़ पर मंथ हो जाती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, यही नहीं रेलवे के और भी बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं, तो तैयारी की स्पीड को दुगनी स्पीड से आप में बूस्ट कर लो ताकि आप इस बार एक सीट अपनी अचीव कर पाओ। आई होप कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग तो अब आपका सारा डाउट्स एंड कंफ्यूजन क्लियर हो ही गया होगा। अब भी कुछ पूछना है तो कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ यूजफुल लगा हो तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।